नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थानी एनिमल्स चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंतर्गत थोड़ी सी आपको घोड़ों के बारे में आम जानकारी देता हूं। मारवाड़ी घोड़ों का घुड़सवारी और खेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। मारवाड़ी घोड़ों का काला, सफ़ेद, खाकी और बादामी रंग का शरीर और उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इनका शरीर सघन अच्छी तरह विकसित होता है। इस नस्ल के घोड़े सर्वाधिक मतलब मालानी नस्ल के घोड़े पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर इन जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बीकानेर जिले में पाए जाते हैं और राजस्थान में सबसे कम घोड़े डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। मालानी घोड़ा राजस्थान में सबसे मजबूत नस्ल का घोड़ा माना जाता है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा भी मालानी नस्ल का था। यह घोड़ा मालानी नस्ल का है। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा भी मालानी नस्ल का घोड़ा था। राजस्थान में काठियावाड़ी घोड़ा जालौर, सिरोही तथा डूंगरपुर जिलों में पाया जाता है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र बीकानेर में स्थित है और घोड़ों का तीर्थ स्थल आलम जी का दौरा घोड़ों का तीर्थ स्थल नाम से प्रसिद्ध है। घोड़े का नाम वीर है। 6.2 इसकी हाइट है। आप देख रहे हो इस वीडियो में घोड़े के गर्दन में कितने खूबसूरत बाल हैं रेशम की तरह। मारवाड़ी घोड़ों का घुड़सवारी और खेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। मारवाड़ी घोड़ों का काला, सफ़ेद, खाकी और बादामी रंग का शरीर और उस पर सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इनका शरीर सघन अच्छी तरह विकसित होता है। इस नस्ल के घोड़े सर्वाधिक मतलब मालानी नस्ल के घोड़े पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर इन जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपको जो ये वीडियो स्क्रीन पर बता रहा हूँ, यह घोड़ा मालानी नस्ल का घोड़ा है। मालानी नस्ल के घोड़े की खासियत है कि यह तेज दौड़ने में माहिर है। इन मालानी नस्ल के घोड़ों की कद काठी, बॉडी लैंग्वेज अन्य घोड़ों की तुलना में बहुत मजबूत है। यह बार ढोने में